फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी के पार्ट्स। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आई है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, यहाँ पे जिसके लिए आपने आंदोलन किए थे, बहुत सारे आंदोलन किए, उसके बाद आपको यहाँ पे कई हाई कम्युनिटी बिठाई गई, तो उसको निर्णय गया कि छात्रों ने जो मांग किए सही है और आरआरबी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, रेल मंत्री जी ने ट्वीट करके बताया कि 3 लाख से प्लस लोगों ने उनका आवेदन किए और इन्होंने अपने कन्वेंस भेजे हाई कम्युनिटी को, तो उसको देखते हुए यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का यहाँ पे अपडेट आ गया है और ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी हो गया है। सीबीटी उनका यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट आएगा और सीबीटी और आरआरबी ग्रुप डी में अब आपका सीबीटी 2 भी नहीं होगा, तो आपके लिए अच्छी खबर है। और यहाँ पे एनटीपीसी और ग्रुप डी का यहाँ पे एग्जाम डेट भी जाहिर हो चुकी है। तो आइए देखते हैं क्या है नोटिस। तो फ्रेंड्स ये रही आरआरबी और भोपाल की ऑफिशियल साइड है, आप किसी भी साइड पे चले जाओ सभी पे आपको मिल जाएगा। तो हम आरआरबी भोपाल की तरफ आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट सीएन नंबर, आपके एक तो 2019 की एनटीपीसी की भर्ती थी, एक आरआरसी ग्रुप डी की आपकी जो भर्ती थी लेवल 1 की, उसके लिए यहाँ पे नोटिस निकाला गया 10 तारीख को, आज की मतलब अभी ही निकाला गया है। तो देखिए क्या है इसमें, दो नोटिस निकाले गए हैं, आप इसको देख सकते हो। तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टर्म्स एंड कंडीशन, जो आपके सीएन नंबर दिया गया है, ऑर्डर 26 तारीख को निकाला था ऑर्डर, उसको यहाँ पे हैज कॉन्स्टिट्यूट ए कम्युनिटी एग्जामिनेशन कन्फेशन, मतलब कम्युनिटी बनाई गई थी और जो आपकी पोस्ट थी उनके लिए। इसमें कहा गया था 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर, मतलब इसमें कहा गया है कि 20 गुना यहाँ पे स्टूडेंट पास होंगे सीबीटी 2 के लिए, तो यहाँ पे दोबारा आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस द क्वालिफाई विल कंटिन्यू द रिमेन क्वालिफाइड, मतलब जो पास हो चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वैसे रहेंगे, जो नहीं हुए हैं उनको यहाँ पे पास किया जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, आप तैयारी में लग जाइए ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से हो पाए। आगे द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग द शॉर्ट लिस्ट विल बी नोटिफाई एट द एच पे लेवल, तो मतलब ये लिस्ट है वो आपके बहुत जल्द उनके पे लेवल के अनुसार यहाँ पे बहुत जल्द जाहिर की जाएगी। तो वो जब भी आएगी तो मैं आपको हमारे चैनल पे बता दूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरआरबी वाई सेकंड स्टेज सीबीटी एच पे लेवल विद द कैंडिडेट ऑफ 1 आरआरबी अनोमेंट इन द सिंगल, तो इसमें आरआरबी ने कहा है कि एक सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना मुश्किल नहीं है, तो यहाँ पे आगे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। और आगे दिए गए आरआरबी ग्रुप डी के लिए कहा गया है सिंगल पेज एग्ज़ाम ही होगा, देर विल बी नो सीबीटी 2, यहाँ पे मतलब सीबीटी 2 एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसा कि नोटिस निकाला था आरआरबी ने कि इसमें ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आरआरसी की सीबीटी विल बी हेल्ड 1 ऑल्सो मैक्सिमम अलाउ द कैपेसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट टू बी यूज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट इंक्लूडिंग इच आरआरसी एंड स्पीड अप द एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ पे शिफ्ट बनाई जाएंगी और जल्दी से जल्दी आपको एग्ज़ाम कराने के प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और इसमें आगे लिखा गया है बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन विच सैम्पल इजी टू अंडरस्टैंड विल बी वाट एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट, मतलब आपके कितने भी शिफ्ट हो, एक हो दो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मलाइजेशन से सबका मार्क्स बराबर जाएगा, तो किसी के साथ कोई ऐसा भी नहीं होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड प्रोवाइड द इंडियन रेलवे, जो आपके इंडियन रेलवे होता है IRMM होता है, विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट, मतलब इसके अनुसार ही होगा मेडिकल भी। आप एनी अवेलेबल इनकम ऑफ असिस्ट सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई द अंडर इकोनॉमी EW कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है जो भी आपका है EW कैंडिडेट है उनके लिए। और यहाँ पर बात करें शेड्यूल कब रहेगा, तो यहाँ पर शेड्यूल भी आ गया, एग्जाम डेट कब रहेगी आपकी, बात करते हैं सबसे पहले रिवाइज रिजल्ट कब आएगा, तो आपके ये आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो अप्रैल में तो रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा सीबीटी 1 का। सेकंड स्टेज एग्जाम जो होगा आपका इसमें, वो आपके मई में होगा और सेकंड स्टेज पे लेवल गिविंग द रिस्पॉन्सिबल गैप, मतलब गैप मिलेगा थोड़ा इसमें आपके। उसके बाद इट हैज़ बीन द डिसाइड टू फॉलो रिवाइज मेथोलॉजी स्पेशल कंडीशन ऑफ कंडक्ट सीबीटी फॉर द लेवल 1 एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड सीबीटी, तो इसमें कहा गया है कि इसमें सारी पॉलिसी फॉलो की जाएगी रिवाइज रिजल्ट के लिए और फिर आपके सीबीटी 2 का रिजल्ट यहाँ पे निकाला जाएगा। दिस इज विल बी इंक्लूड मोबिलाइजिंग एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लॉजिस्टिक
ऑफ कंडक्टर चिबिटियन विद द सिंगल, इसके मतलब इसमें वही दिया गया है कि हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। और आगे दिया गया है सीबीटी वन फॉर ग्रुप डी जुलाई में होगा, मतलब आपके तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया है। तो आपके जो सी बी टी वन है ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो आपके जुलाई में होगा, और सी बी टी टू है आपके ये है वो आपके मई में होगा एनटीपीसी का। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, तो आपको टाइम भी मिल गया है, आप तैयारी कर सकते हो। सी बी टी वन आपके मई में होगा, सी बी टू मई में होगा, और सी बी टी वन है जो आपका होता है इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ग्रुप डी में, वो आपके जुलाई में होगा। तो आप तैयारी कर सकते हो, और आपका जो फर्स्ट ऑफ वीक अप्रैल है उसमें आपका रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। तो आप तैयारी में लग जाइए, तो और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो तक आप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूँ।